नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभय सिंह है, गांव बिहाली, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, हरियाणा। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से हम अप्रैल 2006 में जुड़े। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधनाएं भी करते थे? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले हम देवी देवताओं की भक्ति करते थे और देवी के नवरात्रे रखते थे, मंदिरों में जाते थे और तीर्थ व्रत जो होते हैं हिंदू समाज में जो पूजाएं होती है वो सब हम करते थे। और मैंने धन धन सतगुरु से भी नाम लिया था और उनसे मैं 2001 से लेकर अप्रैल 2006 तक उनके साथ जुड़ा रहा। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं एक किताब को पढ़ करके आया। उस समय 2006 में परमेश्वर के सार संदेश नाम की जो किताब संत रामपाल जी महाराज की मिली, तो हमने उसको जब उलट पुलट के देखना शुरू किया तो हमने देखा इन्होंने तो गीता को बहुत डिटेल से बढ़िया करके समझा रखा है, जबकि उससे पहले हम गीता का पाठ रोज पढ़ते तो थे, पर आज पाठ किया अगले दिन जो पाठ को पढ़ते थे वो हमें ये नहीं पता होता था पीछे पाठ में हमने क्या पढ़ा था। हम जब गीता का पाठ खत्म होता था उसके नीचे हरि ओम तत्सत लिखा होता था तो बच्चे भी नाचते उस शब्द को बार बार गुंजाते थे, हरि ओम तत्सत ऐसे करते थे, पर हमें पता कुछ भी नहीं था उसके बारे में क्या हरि ओम तत्सत होता है क्या है। एक रूटीन हो रहा था, गीता का पाठ करना है, नहाए धोए गीता का पाठ किया और अपने काम में लग गए, इस तरह ही चल रहा था। परमेश्वर के सार संदेश नाम की जो किताब, उसमें परमात्मा को संत रामपाल जी महाराज ने साकार सिद्ध करके दिखाया हुआ था, उनका नाम भी बताया हुआ था, उनका धाम भी बताया हुआ था, तो हमने देखा कि ये क्या वाक्य में ऐसा सच है या अपनी तरफ से कुछ कर रहे हैं। पर जब हम उनके प्रमाणों को देखते थे कि गीता के अध्याय श्लोक उसकी सब बातें, तो ये देख के फिर विचलित हो जाते थे कि ये तो भाई प्रमाण दिया हुआ है। जैसे धर्मगुरुओं से सुनते थे अपने पुराणों के बारे में, तो पुराणों के बारे में भी उसमें बता रखा था, तो वो भी हमने उनको सारे चरित्र पढ़े देखे, हम तो जो कर सोच रहे देख रहे थे वो तो एकदम विपरीत था सब कुछ। अब जो चीज़ विपरीत हो उसके दूसरी तरफ जाने में बड़ा संघर्ष होता है, एकदम बात हजम नहीं होती है, बात समझ नहीं आती है, क्यों सारा समाज तो एक तरफ कहता है कि भगवान निराकार है, उसको कहीं देख नहीं सकते, उसकी एक शक्ति है, उसके बारे में जैसे जैसे धर्मगुरु बताते हैं, क्यों आम आदमी को उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं होता है कि ना उसके पास इतना समय होता है कि वो अपने शास्त्रों को ठीक से पढ़ सके और समझ सके और उस पर कोई निर्णय ले सके, इतनी बुद्धि जीव की काम नहीं करती है, क्यों ये हमारा सांसारिक इतने काम होते हैं, इतना प्रेशर होता है कि उसको फुर्सत ही नहीं होती वो इतनी सारी बातों को देख या समझ सके। तब उसके माध्यम से हमें पता चला किताब से, तो हम फिर विचलित हो गए कि ये इनका कैसे इनसे मिला जाए, क्या बात है। उसमें एड्रेस भी दिया हुआ था करौथा आश्रम रोहतक के लिए, पर हमें ये नहीं पता था कि भाई रोहतक का पता था, ये करौथा कहाँ है, कैसे जाएंगे, ज़्यादा ठीक पता नहीं था, पर मन से विचलित हो रहे थे वहाँ जाने के लिए। अगर एक बार इनको देखें समझें और उनका ज्ञान को जो जिस तरह इन्होंने किताब में प्रदर्शित किया है, अगर एज इट इज वो ऐसा ही है तो वाक्य में कोई बात है। तो ये मतलब उथल पुथल दिमाग में चल रही थी, हम गीता को रोज पढ़ ही रहे थे, ऐसे करते करते ये बातें कहीं दिसंबर या जनवरी की हैं, तो अप्रैल के महीने में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उनके साथ मैं वहाँ सत्संग सुनने गया और वहाँ सत्संग सुना और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? मैं आपको बताना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने दीक्षा ली और जब हमने सत्संग सुना तो मुझे लगा कि संत रामपाल जी महाराज जी सारा सत्संग मेरे ऊपर ही सुना रहे हैं, क्यों हम पहले नारायण भगवान की कथा करवाते थे, व्रत रखते थे, ये तो मालिक ने बताया कि वो सत्यनारायण तो कोई और है, जिसको आप सत्यनारायण मानते हो सत्यनारायण है ही नहीं, जिसको आप अभी नहीं जान रहे, तो ऐसे करके मालिक ने सत्संग सुनाया। फिर उसके बाद मैं घर आया तो बच्चों ने कहा, तो मैंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज परमात्मा स्वरूप ही आए हुए हैं, उनका ज्ञान अनमोल है, तो हम ऐसे करके संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ गए। मेरा बेटा था वो
5-7 साल का था तो वो बीमार रहता था बहुत। उसको कभी टाइफाइड हो गया, बुखार हो गया, खांसी हो गई, इस तरह। तो हम डॉक्टर के और ये झाड़ने जोड़ने वालों से, इनसे बहुत परेशान रहते थे और वो ठीक बहुत कम रहता था। तो जब हमने नाम लिया, उसको ले गए, तो मालिक की दया, हमें तो पता भी नहीं था ऐसा हो जाता है। वो बिल्कुल ठीक हो गया। अब उसको तुतड़ाने की भी प्रॉब्लम थी, वो किसी बात को तुतड़ा के बोलता था, तो टीचर शिकायत करते थे तुतड़ा के बोलता, हम इसकी बातों को समझ नहीं पाते। डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने कहा कि इसको या तो शब्द बदलाओ या इसका कोर्स लेगा, ऐसे करना है। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लगाई, तो मालिक ने कहा ठीक हो जाएंगे, परमात्मा रजा करेंगे। तो वो कुछ दिन के बाद धीरे धीरे हमें पता भी नहीं चला वो ठीक हो गया। पहले वो बहुत कमज़ोर था पढ़ाई में, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद वो क्लास में भी 1-2-3 पोजीशन माने लगा। उसके बाद में वो प्लस टू करने के बाद ये जेई मेन वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, हमने उनका फॉर्म लगा दिया ऐसे ही, कहीं कोचिंग वोचिंग तो करवाई नहीं थी। तो उसने उसका एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में वो पास हो गया जेई मेन में। तो उसको जेई एडवांस के लिए किया, तो NIT कुरुक्षेत्र में उसका मतलब एडमिशन हो गया और उसने BTech NIT कुरुक्षेत्र किया। उसके करने के बाद मालिक की रजा से वो अभी NTPC में उसकी ज्वाइनिंग हो गई मालिक की दया से। मेरी बेटी थी वो भी प्लस टू किया, तो मैं पहले से ही सोचता था इसका। मैं जयपुर के अंदर महारानी नाम से कॉलेज है जो लड़कियों की ही कॉलेज है, तो मैं सोचता था इसको महारानी कॉलेज से BCA करवाऊँगा डिग्री। तो मैंने उसका और कहीं कोई फॉर्म ही नहीं लगाया, खाली महारानी कॉलेज का BCA के लिए उसका फॉर्म लगा दिया। अब हम ट्यूबवेल पर रहते थे, हमें कोई ज़्यादा उसकी जानकारी, हम सोचे कहीं फॉर्म कोई कॉल वगैरह आएगी। एक दिन कुदरती मैं बाज़ार गया तो बुक सेलर से पूछा कि भाई ऐसे ऐसे राजस्थान के वो एडमिशनों की बातें चल रही थी, तो मैंने उससे पूछा, उन्होंने कहा उनका तो कल वो लिया। मैं बड़ा हड़बड़ा गया, अब ये बच्ची का क्या होगा, संत रामपाल जी महाराज इस बच्ची का एडमिशन, मैंने तो कहीं और कहीं दोबारा फॉर्म ही नहीं लगाया, एक ही जगह फॉर्म लगाया था, और अब इसका एडमिशन कैसे होगा। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई, संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि आप जाओ, इसका एडमिशन हो जाएगा, चिंता ना करो। तो हम रात को ही गाड़ी से वहाँ जयपुर के लिए चले गए। सुबह उनकी प्रिंसिपल जब आई तो हमने उनके पास पेश होके बताई सारी स्थिति को, तो उन्हें कहा जी ये तो आपको पहले आना चाहिए था, ये तो हो चुका है, मैं क्या कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। मैंने कहा मैडम आप देखो बच्ची का बस की बात है, आप थोड़ा ध्यान दो। तो मालिक ने उसको ऐसी प्रेरणा की, उसने कलर्क को ब्लॉक कर लिया और उसने कहा जी ठीक है हो जाएगा, मैं अभी करवा देता हूँ। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उस बच्ची का उसमें फिर एडमिशन हो गया। ऐसे ही उसका BCA करने के बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी में उन्होंने MCA के लिए एक एग्जाम होता है, वो एंट्रेंस एग्जाम, वो एग्जाम दिया और वो घर आ गई एग्जाम दे के। जब हमें पता चला तो उसका टाइम निकल चुका था फर्स्ट लिस्ट का, सेकंड लिस्ट चालू नहीं हुई थी। संत रामपाल जी महाराज जी से हमने प्रार्थना की, तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा मालिक सब करेंगे, आप चिंता ना करो। हम वहाँ गए, उनको बताया ये बच्ची के भविष्य की बात है, तो उन्होंने लिस्ट देखा तो उन्होंने कहा अरे ये तो इसका तो 13वां ही नंबर था, इतनी बड़ी पोजिशन होने के बाद आपको ध्यान नहीं दिया। तो संत रामपाल जी की महाराज की दया से उसका वो एडमिशन हो गया। इस तरह से रामपाल जी महाराज की दया से हमें बहुत सारे लाभ हुए। एक दफ़ा मेरी माँ ने नाम ले रखा था और वो माँ भाई ने मेरे ने नाम नहीं ले रखा था, मेरे भाई की तरफ चली गई और वहाँ जाने के बाद उसका नाम खंडित हो गया। नाम खंडित होने के बाद वो बीमार हो गई, बीमार हो गई तो उसको जयपुर दुर्लभ हॉस्पिटल में भाई ने एडमिट करवाया, मैं भी मिलने गया। और फिर मेरी बेटी थी वो वहीं जयपुर में BCA कर रही थी, तो उनका हॉस्टल नज़दीक था, हमने बताया बेटी ऐसे ऐसे माँ बीमार है आप उनसे मिलना। तो वो गई तो उन्हें कहा पापा माँ तो मरने वाली है, ICU में एडमिट है, इनका शरीर सूज रहा है और ये तो कभी भी मर सकती हैं, आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाओ। तो हमने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई, गुरु जी ने कहा बेटा कोई बात नहीं है, इसकी तो नामखंड हो रहा है और ये ठीक हो जाएगी, अब जब ठीक हो जाए तो इसको आश्रम ले आना, आप इस बात को कबूल करो, मालिक ठीक करेंगे। तो मैं वहाँ से फिर गया जयपुर, जो डॉक्टर इनका इलाज कर रहा था उससे मिले, उससे बातें हुई, मैंने कहा इनकी छुट्टी कर दो, हमें घर ले जाना इसको, हम कहीं और दिखाएंगे। तो उन्होंने छुट्टी कर दी, मैं SMS में उसको एडमिट कराया और 6 दिन में हम घर भी आ गए और माँ 10-15 दिन में चलने लग गई और संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गए। और जाते ही गुरु जी ने कहा आप आ गए हो, आप तो बहुत बीमार थे। तो इस तरह हमें फायदे हुए संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद।
सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं खास करके हरियाणा वालों के लिए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो दर्शक आज हमें देख रहे हैं, हम उनसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप सभी बहन भाई अपने शास्त्रों को समझें। संत रामपाल जी महाराज सभी शास्त्रों के अनुकूल हमें भक्ति बताते हैं, उसी के आधार से हमें भक्ति करने से हमारा मोक्ष हो सकता है। संत रामपाल जी महाराज ने वेदों से, गीता से, संतों की वाणियों से, जो इतने भी हमारे प्रमाणित संत हो गए हैं, उन सबको आधार करके हमें भक्ति बता रहे हैं। आप उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और समझ के और अपना कल्याण करवा सकते हैं। सर आपने बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपने देवी देवताओं की पूजा छोड़ दी? जैसे हम पहले देवी देवताओं की जिस तरह से भक्ति करते थे, वो हमें कोई फायदेमंद नहीं होती थी। संत रामपाल जी महाराज ने देवी देवताओं की भक्ति को सिस्टम से, जो हमारे संत ग्रंथों में बताया है, उसके अनुकूल हमें बताया है किस देव की किस तरह हम भक्ति करेंगे तो वो हमें फल देंगे। तो हर देव का, हर भगवान का उन्होंने जो रियल नाम है, जिससे वो आकर्षित होते हैं, उन नामों को हमें बताया है। उसके करने से वो हमें तुरंत लाभ देते हैं, और जिस तरह हम कर रहे थे उससे वो हमें लाभ देने वाले नहीं थे। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने बहुत आसान सा तरीका बना दिया है। बहुत सारे चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं। साधना चैनल पे 7:30 से 8:30 आता है, ईश्वर चैनल पे 8:30 से 9:30 तक आता है। ऐसे बहुत सारे और भी चैनल हैं जिन पे संत रामपाल जी महाराज के प्रोग्राम्स आते हैं। आप उनको देखिए, उनकी बुक्स को पढ़िए, उनके पीछे फ़ोन नंबर होते हैं। जो सत्संग चलता है उसमें भी एक नीचे पट्टी चलती है, उसमें फ़ोन नंबर होते हैं। आप उन पर फ़ोन करिए और आपके एरिया का जो भी नज़दीक नाम स्थान होगा वहाँ आपको बता दिया जाएगा। वहाँ जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट संत रामपाल जी महाराज से नाम ले सकते हैं। आपको एक पैसा भी वहाँ कोई खर्च नहीं करना है। बाकी ऊपर से संत रामपाल जी महाराज आपको एक मंत्र के लिए कार्ड और बुक ये सब फ्री देते हैं, कोई वहाँ कोई पैसा नहीं लगता है। धन्यवाद सर। सत साई।